वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनेमाज कलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे IV71 मूवी की टोटल 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे मूवी बॉक्स ऑफिस पे रही हिट सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो जैसे कि आपको पता ही है कि इस मूवी के लीड में आपको दिखाई देंगे इंडिया के टॉप 6 मार्शल आर्टिस्ट अर्थात विद्युत जम्वाल। जी हाँ गाइस, इंडिया के नहीं बल्कि वर्ल्ड के टॉप 6 मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट में आने वाली है विद्युत जम्वाल, और उनके साथ साथ आपको अनुपम खेर। जी हाँ गाइस, तो ये दोनों ही हीरो आपको जो है वो इस मूवी के लीड में दिखाई देंगे। और अगर बात करें इसके प्रोड्यूसर्स की, तो ये अगर विद्युत जम्वाल की ये एज अ प्रोड्यूसर फर्स्ट मूवी है, तो क्योंकि उन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो अगर बात करें इसके बजट के बारे में, तो इसका जो बजट है वो है 25 करोड़। जी हाँ गाइस, इसका जो बजट है वो है 25 करोड़। बात करते हैं इसके यानी कि फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो पहले दिन इस मूवी ने कमाया 1 करोड़ 70 लाख। जी हाँ गाइस, 1 करोड़ 70 लाख। बात करते हैं दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दूसरे दिन का जो कलेक्शन रहा था वो रहा था 2 करोड़ 50 लाख। जी हाँ गाइस, 2 करोड़ 50 लाख रुपए। और बात करते हैं आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में यानी कि संडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आज ये मूवी लगभग 3 करोड़ कमा रही है। जी हाँ गाइस, लगभग 3 करोड़ कमा रही है। तो जिससे कि इसका इस टोटल इंडिया नेट जो कलेक्शन हो जाता है वो हो जाता है 7 करोड़ 30 लाख रुपए। जी हाँ गाइस, 7 करोड़ 30 लाख रुपए। और क्योंकि मूवी को जो स्क्रीन काउंट है वो ज़्यादा मिले नहीं। जी हाँ गाइस, केवल इसको जो है कि 1000 से 1200 स्क्रीन्स वर्ल्ड वाइडली मिले हैं, जिस वजह से इसका जो कलेक्शन है वो इस प्रकार को आपको देखने को मिल रहा है। बाद बाकी अगर रिव्यूज़ की बात करी जाए, तो इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिव्यू मिले हैं क्रिटिक्स की तरफ से भी और यूट्यूबर्स की तरफ से भी। तो अगर मतलब बात करी जाए मूवी की ओवरऑल परफॉर्मेंस की यानी कि स्टोरी लाइन की, तो वो भी काफ़ी तगड़ी है। यानी कि इसमें बहुत ही सारे ट्विस्ट हैं, जो आप सोच रहे हो वो होता नहीं है, जो होता है वो आप सोच नहीं रहे होते। मतलब बहुत कुछ है इसमें, आप सोच रहे होंगे इसमें बहुत सारा एक्शन होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मैं सारा कुछ रिवील करना चाहता नहीं हूँ इस मूवी का, वरना आपका जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए क्योंकि इस मूवी को जो है ना कि इसके साथ ही साथ जो केरला स्टोरी है वो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है मूवी, तो उसकी उस मूवी की वजह से इस मूवी को जो है कि यानी कि ज़्यादा रिस्पॉन्स लोग दे नहीं पा रहे हैं। बाद बाकी अगर रिव्यूज़ देखे जाएँ और सब कुछ देखा जाए, स्टोरी देखी जाए और एक्टिंग देखी जाए, वो सब कुछ परफेक्ट है इस मूवी का। और भाई अगर ये केरला स्टोरी से पहले आती ना मूवी, तो ये मूवी लगभग भाई लगभग लगभग पहले ही दिन लगभग 10 करोड़ का ओपनिंग लेती। जी हाँ गाइस, कम से कम 10 करोड़ का ओपनिंग लेती जिस तरीके से इसकी मूवी की हाइप थी। बट फिर भी यार गाइस, देखते हैं मूवी बॉक्स ऑफिस पे क्या करती है, कमाल। तो अगर आपको मतलब कि लगता है कि मूवी अपने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे यानी कि कितना कलेक्शन कर सकती है, यानी कि 100 करोड़ 200 करोड़ या 300 करोड़, जो भी लगता है आपको, अपने रिकमेंड में जरूर दीजिएगा। बाद बाकी अगर बात करें इसके टोटल 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो क्योंकि इसका जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो हो चुका है वो हो चुका है यानी कि 7 करोड़ 30 लाख रुपये। बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी लगभग 3 करोड़ कमा रही है। जी हाँ, जिससे इसका टोटल 3 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 10 करोड़ 30 लाख रुपये। और क्योंकि मूवी का बजट है 25 करोड़, तो मुझे लगता है कि अपनी ये मूवी जो है अपने नेक्स्ट वीक में जो है कि अपना बजट रिकवर कर लेगी और एक हिट मूवी बन जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये मूवी मतलब लाइफ टाइम में अपना रहेगी हिट, ब्लॉकबस्टर या फिर सुपर हिट, जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।